नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवा गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्रिसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 19 तीसरे का। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम्। एकांतिनो जस्यन कंचनार्थम् वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम्। गायन्त्यानन्द समुद्रमग्नः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम्। अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम्। अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा। वेदालोकाश्चराचरः। नाम रूप विभेदेन। फलगव्या च कलया कृतः। यथार्चिसोग्नेः समितुर्गभस्तयो। निर्यान्ति संयान्तसकृत्स्वरोचिषः। तथा यतो
तथा यतोयम् गुणसं प्रवाहो तथा यतोयम् गुणसं प्रवाहो बुद्धिर्मनःखानि शरीर सर्गः बुद्धिर्मनःखानि शरीर सर्गः सवै न देवासुरमर्त्यतिर्यं सवै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायम् गुणः कर्मन सन्न चासन नायम गुणः कर्मन सन्न चासन निषेध शेषो जयता दशेष निषेध शेषो जयता दशेष जिजी विषे न हम या मुया किम जिजी विषे न हम या मुया किम अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्या अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले ननजस्य विप्लवः इच्छामि काले ननजस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् 19वें श्लोक को पढ़िए यम धर्म कामार्थ विमुक्ति काम भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदव्रतयो विमोक्षणम् यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् यम धर्म कामार्थी विमुक्ति कामा भजन्त इष्टा गप्निमा प्रुवन्तिम् किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोति मेदभ्रदयो विमोक्षणम् यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदव्रतयो विमोक्षणम् यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहम् अव्ययम्
करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोराद्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वशाशोरत्यापि देहम् अव्ययम् करोति मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोराद्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। शब्दार्थ बोलिए। यम जिस भगवान को धर्म काम अर्थ विमुक्ति कामा है, ऐसे व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार सिद्धांतों की कामना करते हैं, भजन्तः पूजा द्वारा इष्टां लक्ष्य को गतिम गंतव्य आपनुवंति प्राप्त कर सकते हैं। किम क्या कहा जाए च भी आशीष अन्य आशीर्वाद राति प्रदान करता है अपि भी देहम शरीर को अव्ययम आध्यात्मिक करो तू आशीष दें मैं मुझे को अदभ्रदय अत्यधिक दयालु भगवान विमोक्षण वर्तमान संकट से तथा भौतिक जगत से मोक्ष। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो भगवान वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीष दें। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में कुछ लोग अकामी होते हैं, कुछ सकामी तथा कुछ धर्म अर्थ काम एवं अंततः मोक्ष की कामना करते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भागवत 2:3:10। यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य की चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे वह भौतिक लाभ चाहता हो या न चाहता हो या अंततः मोक्ष चाहता हो, उसे भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, तभी उसे मनवांछित प्राप्ति होगी।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्त थैव भजाम्यहम्। भगवान आदान प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि एक सामान्य जीव भी जो चाहता है उसे कृष्ण प्रदान करते हैं। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और जीव को मनोवांछित वस्तु देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबों के हृदय में आसीन हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ हुओं की तरह सारे जीवों को घुमाते रहते हैं। भगवद्गीता 18:61। भगवान हर एक को अपनी इच्छा पूर्ति का अवसर प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त भी अपने पिता से अधिक बड़े साम्राज्य का वर चाहते थे। यद्यपि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें साम्राज्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उसे भगवान निराश नहीं करते। चूँकि गजेंद्र ने वर्तमान संकट से, या यूँ कहे कि भौतिकवादिक जीवन से वर्तमान संकट से मुक्त होने के लिए शरण ग्रहण की थी, तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति कैसे न करते। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, इस जीवन में जीव के लिए, खासकर मनुष्य के लिए चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ होता है कुछ शुभ कर्म करके, यज्ञ, दान, तप इत्यादि करके उच्चतर लोकों का सुख प्राप्त करना, इस पृथ्वी की अपेक्षा ऊपर के लोकों में बहुत अधिक भोग है, सुख है, भौतिक सुख। ये हम लोग रात में तारा मंडल देखते हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े लोक हैं और उन लोकों में जीवन की अवधि बहुत लंबी है, शरीर बहुत सुंदर है और बलवान है, और वहाँ जो भी भोग मिलते हैं वे बहुत उत्कृष्ट कोटि के भोग हैं। हमें यहाँ हंसी आ रहे थे कि एक भक्त कहता है कि यहाँ पर अनेक इंजीनियर हैं और फिर भी छोटी छोटी गलती को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ऊपर के जो भोग हैं स्वर्गीय लोकों के, उनको धर्म कहा गया है। धर्म इसलिए कहा जाता है कि वे धर्म का आचरण करने से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञ करके, दान करके बहुत से लोग हमसे प्रार्थना करते हैं, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग में रहने और वहाँ के भोगों को भोगने की लालसा रखते हैं। तो जीवन में यह एक पुरुषार्थ है, स्वर्ग प्राप्त करना, उच्चतर लोक प्राप्त करना, और दूसरा पुरुषार्थ है
अर्थ अर्थ है का अर्थ है धन, धन चाहते हैं, धन कमाते हैं विविध प्रकार से इस पृथ्वी पर ही, चाहे व्यापार द्वारा, या किसी तरह से, तो धन कमाते हैं न्याय के अनुसार, तो इसको अर्थ कहा गया है। अर्थ से ही भोगों की उपलब्धि होती है, अर्थ से अच्छा मकान मिलता है, अर्थ से बहुत प्रकार के वाहन मिलते हैं और खाने की चीज़ें, पीने की सब चीज़ें अर्थ से प्राप्त होती हैं। तो अर्थ भी एक पुरुषार्थ माना गया है। हमारे वैदिक पुरुषार्थ विश्लेषण में अर्थ और काम को भी पुरुषार्थ माना गया है। काम का अर्थ होता है इंद्रियों के भोगों को भोगना, इंद्रियों को तृप्त करना, इसको काम कहा गया है। अपनी कामना के अनुसार भोग भोगना और इंद्रियों को सुख देना, यद्यपि महान आचार्यों ने इसको अर्थ और काम को पुरुषार्थ नहीं माना है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष अर्थ, पुरुष को जो कमाना चाहिए, जो अर्जन करना चाहिए, तो विवेकी लोग अर्थ और काम को पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसे जनरल संसार में सब मान लिया गया है कि अर्थ और काम भी पुरुषार्थ है, और चौथा पुरुषार्थ है इस प्राकृत जगत के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान के धाम में चले जाना, उनका पार्षद बनना या ब्रह्म में लीन हो जाना, जो कुछ भी जन्म मरण मिट जाना है, इसको मोक्ष कहा जाता है। और मोक्ष ही अंतिम पुरुषार्थ है। तो इस तरह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको पुरुषार्थ कहा गया है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी लोग धर्म चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, या अर्थ चाहते हैं, काम चाहते हैं, या मुक्ति चाहते हैं, इसकी कामना रह करके यम भजंतम, जिनका भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, तो इन सभी प्रकार के सकामी लोगों के, भजन करने वाले भक्तों के इष्टम गति, अपनी इच्छित गति को भगवान देते हैं, वे प्राप्त करते हैं भगवान की कृपा से। भजन त इष्टम गतिम आपनवंत, इष्टम गतिम, इष्टम गतिम का अर्थ है जो चाहते हैं, चाहे अर्थ या काम या धर्म या मोक्ष, जो भी चाहते हैं भगवान उसको देते हैं, भक्ति के बल से वे प्राप्त कर लेते हैं। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, विमुक्ति मतलब विशेष मुक्ति, वी का अर्थ है विशेष, विशेषण, और मुक्ति का अर्थ है मोक्ष। विशेष मोक्ष क्या है,
स्पेशल मोक्ष है भगवान का पार्षद बनना, भगवान के साथ रहना और उनकी सेवा का आनंद लूटना, ये है विशेष विमोक्षण, ये विशेष मुक्ति है। तो जो भी भक्त इस तरह के कामना रखते हैं तो उनकी कामना के अनुसार भगवान देते हैं। जो धन चाहता है उसको धन देते हैं, जो स्वर्ग चाहता है उसको स्वर्ग में एलिवेट करते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है उसको भी बेटर क्वालिटी का भोग देते हैं, और जो मुक्ति चाहता है मुक्ति देते हैं। इष्टम गतिम आपनुवन्ति, वे अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करते हैं। केवल भगवान इतना ही नहीं करते हैं, वे दया के समुद्र हैं, दया सिंधु हैं। वो जो भक्त चाहता है वो तो देते ही हैं, केवल इतना ही नहीं किंतु आशीष अन्य भी आशीर्वाद देते हैं, अन्य भी वस्तुएं देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज राज्य चाहते थे सबसे बड़ा, लेकिन भगवान ने केवल वही नहीं दिया, उनको बहुत चीज दिया। देने में भगवान को तृप्ति नहीं होती है, ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो। तो भक्त कभी कभी नकारते हैं, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया। तो अन्य आशीर्वाद भी देते हैं, और इसके साथ यहाँ तक कि अव्यय देह भी देते हैं। अव्यय देह का क्या मतलब है? वह शरीर जिसमें जन्म मृत्यु व्याधि वगैरह नहीं रहते, और कभी भी कोई क्लम थकावट या पीड़ा नहीं होती है, वो शरीर कभी क्षीण नहीं होता। आध्यात्मिक शरीर भगवान के धाम में मिलता है, तो वह स्पिरिचुअल शरीर देते हैं, अव्यय शरीर देते हैं। तो जो जो चाहता है और उस अपने चाह की पूर्ति के लिए भगवान की शरण लेता है तो वो सब चीज देते हैं, और अव्यय शरीर भी देते हैं और भी चीज़ें देते हैं। वे चार भुजा से देने लगते हैं तो दो भुजा वाला क्या संभालेगा? इस तरह जो अदभ्र दया, जो अनल्प दया वाले हैं, जिनकी दया अपार है, वे प्रभु से उन प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ केवल मैं विमोक्षण, इस वर्तमान संकट से हमको बचा दीजिए, इस मगरमच्छ से हमको छुड़ा दीजिए। आप में बहुत दया है, लेकिन मैं केवल इतनी ही मांगता हूँ, हमको मुक्त कीजिए इस संकट से। गजेंद्र की इच्छा केवल मगर से छूटने की नहीं थी, छूटने के साथ ही कुछ और चाहते थे,
वे भगवान को देखना चाहते थे, भगवान से ही वे छूटने की प्रार्थना कर रहे थे। वे चाहते थे कि हम छूटें तो भगवान के हाथ से और किसी के हाथ से नहीं। आगे वे कहते हैं जिजी विषय ना हम या मुया के मंत्र वही साबित ये भजन में, मैं मगरमच्छ से छूट करके अब इस हाथी के शरीर में जीना नहीं चाहता। जिजी विषय ना हम, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, जीने की इच्छा नहीं है। इस हाथी के शरीर में जी कर क्या करेंगे, ये हाथी का शरीर बाहर और भीतर सब ओर से अविवेक से व्याप्त है। भीतर से तो कोई ज्ञान है नहीं हाथी के शरीर में, बाहर दृष्टि से भी वह बेढंगा है, भारी शरीर है, इतना बड़ा शरीर। लेकिन हम लोग विचार करते हैं उतना बड़ा शरीर भीतर से कोई बुद्धि नहीं है कि एक छोटा आदमी अंकुश लेकर के और हाथी को अपने बस में रखता है, उसको मनमाना घुमाता है और हाथी के शरीर में भी कोई क्षमता नहीं है कि वो नवधा भक्ति कर सके, भगवान की पूजा वगैरह कर सके। तो इस शरीर में हम जी कर क्या करेंगे, और चाहते थे कि भगवान आवे, भगवान का दर्शन हो, हमको वे छुवे, आश्वासन दें। जैसे छोटा सा बच्चा रोने लगता है कभी कभी, तो कभी वो भूख से व्याकुल रहता है, कभी बुखार से या किसी रोग से आक्रांत रहता है, तो माँ के लिए रोने लगता है और उस समय दूसरी स्त्रियाँ या दूसरे लोग उसको सांत्वना देते हैं तो चुप रहो चुप रहो चुप रहो। लेकिन कई लोग उसे अपने गोद में लेते हैं और सब जगह वो रोता ही रहता है अपने माँ की गोद के लिए। जब माँ लेती है तब वो चुप हो जाता है। तो इस तरह से गजेंद्र भगवान के लिए रो रहे थे। वास्तव में वो केवल ग्राह से छूटने के लिए नहीं भगवान को पुकार रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे उनको देखने के लिए, अभी देखे नहीं थे। भगवान आएंगे और हमें स्पर्श करेंगे, हमारे आंसू पोछेंगे, सांत्वना देंगे। तो बच्चा अपने माँ के गोद में जब जाता है तो माँ उसका आंसू पोछती है और सांत्वना देती है, फिर दूध पिलाने लगती है, तो बच्चा सब दुख भूल करके हंसने लगता है। माँ की गोद पा करके वह निश्चिंत हो जाता है। तो इस तरह हम लोग इस संसार में अनाश्रित हैं, वास्तव में हमारा कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे हैं हम उनकी याद नहीं करते। परंतु वे ऐसे दयालु हैं कि भजन करने पर हम जो चाहते हैं वो तो देते ही हैं और भी बहुत सी चीज़ें देते हैं। तो गजेंद्र कारण, लेकिन इस तरह से जो भजन करते हैं उनकी तो इच्छा पूरी भगवान करते ही हैं,
और उन्हें जो इच्छा नहीं होती है, जो नहीं चाहते हैं, वो भी देते हैं। लेकिन मैं जो यह प्रार्थना कर रहा हूँ ग्रह से छूटने के लिए, यह भी इसीलिए चाहता हूँ कि मैं भक्ति के सुख से अनभिज्ञ हूँ। भक्ति में कितना सुख है, आनंद है, इसको मैं नहीं जानता। तो भक्ति के सुख में निमग्न रहने वाले भक्त कुछ भी नहीं चाहते हैं। एकांतिनो जस्यन कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्र मग्नः। भक्ति में सर्वप्रधान चीज क्या है? कृष्ण का कीर्तन करना। तो जो आपके एकांतिक भक्त हैं, दास हैं, अनन्य भक्त हैं, वे अनन्य भक्त नजस्य एकांतिनो जसन कंचनार्थम, कोई भी अर्थ वस्तु नहीं चाहते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अत्यद्भुतम चरितम सुमंगलम, भगवान के अत्यंत मंगलमय गुणगान में, कीर्तन में रहते हैं। गायंत गायंत गाते रहते हैं और इस तरह वे आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। भगवान की भक्ति में कोई थोड़ा आनंद नहीं है, वो समुद्र है। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस से एक अपार सिंधु की भांति है। और इसमें जो मग्न रहते हैं भक्त लोग, तो उन्हें और कोई भी कामना नहीं होती है, स्वर्ग की या अपवर्ग की किसी चीज की कामना नहीं होती है। यह गजेंद्र क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मैं इस भक्ति सुख से अनभिज्ञ हूँ। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक लिखा है, वो नारद जी का बनाया हुआ श्लोक है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभिदयो भवे। जब तक हृदय में भुक्ति की, भोग की और मुक्ति की स्पृहा है, वासना है, यह पिशाची जब तक हृदय में है, तब तक भक्ति सुख का उदय कहाँ से हो सकता है? जैसे जन्म लेते ही किसी बच्चे को पिशाची मार देती है, तो इसी तरह थोड़ा सा भक्ति का सुख का उदय हुआ, तो ये भुक्ति और मुक्ति की वासना पिशाची की तरह इसको खा जाती है। एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य वृंदावन में आए थे, तो रूप गोस्वामी पाद की कृति को, भक्ति रसामृत सिंधु को देख रहे थे। तो उसमें लिखा था, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्त सुखद यात्रा कथम अभिदय। तो आचार्य ने कह दिया
रूप गोस्वामी पाद से कि जो आप भुक्ति को पिशाची कहे हैं इसको मैं मानता हूँ, लेकिन मुक्ति को भी पिशाची कहे हैं ये ठीक नहीं है। तो जीव गोस्वामी जी मिले, जब विदा हुए वल्लभाचार्य तब जीव गोस्वामी जी मिले और उन्होंने कहा कि आपने जो भक्ति रसम सिंधु में दोष निकाला है वो दोष नहीं है। तब उन्होंने व्याख्या किया कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते, भुक्ति मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है आचार्य ने, भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा है वासना है उसको पिशाची कहा। तब वल्लभाचार्य समझ गए हाँ तब तो ठीक है, ते भोग और मोक्ष की जो वासना है इच्छा है इसके चलते हृदय में भक्ति सुख का उदय नहीं हो पाता। हम लोग श्रीमद् भागवतम में अनेकों श्लोक पढ़ते हैं जो भक्ति सुख का वर्णन करते हैं और भक्ति के आनंद के आगे भक्त साफ कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे रसातल की संपत्ति नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक का सुख नहीं चाहिए और अपवर्ग का सुख कि मेरा जन्म हो और मुझे भक्तों का संग मिलता रहे। तो हम लोग इन श्लोकों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। क्या सुख है भक्ति में, पर बाहरी प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है वह सुख है। ऐसा है जिस सुख के आगे और किसी चीज की इच्छा नहीं होती है। एकांतिनो जश्न कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्न, जो भगवत प्रपन्न है। यहाँ भगवत प्रपन्न का अर्थ है भगवत जो श्रेष्ठ वैष्णवों की सेवा में हैं, प्रपन्न है। भक्तों की संगति में हैं, वे कभी भी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करते। यहाँ भगवत प्रपन्न का अर्थ जो भगवान की शरण में है ये अर्थ नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवत के अर्थों का आस्वादन, भागवत के एक एक शब्द में अद्भुत अर्थ हैं और वे अर्थ कृष्ण की भक्ति पर पर्यवसित होते हैं। भक्ति का सुख पाने के लिए श्रेष्ठ भक्तों की संगति आवश्यक है, तो उनको भी भगवान कहा जाता है। जैसे नारद जी, सुखदेव गोस्वामी और भी वर्तमान समय में जैसे श्रील प्रभुपाद जो भगवान की भक्ति में अग्रसर पुरुष हैं जिन्हें कोई कामना नहीं है, तो वे भी भगवान हैं। माया को परास्त करके भगवान में अपने चित्त को रखना
और अपनी वाणी से हमेशा भगवान का कीर्तन करना, उनका नाम जपना, ऐसा करना ये बहुत बड़ी भगवत्ता है, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। तो ऐसे जो लोग हैं भगवान की भक्ति में अडिग टिके हुए हैं, अनेक बाधा विघ्नों के बाद भी कृष्ण के चरण कमल को वे नहीं भूल पाते हैं आधे निमिष के लिए भी। एक और सारा जगत हो, सारा स्वर्ग सब कुछ भोग हो, और एक तरफ एक सेकंड के लिए कृष्ण के चरण कमल की विस्मृति हो, और कहा जाए भक्त से कि आप थोड़े देर के लिए कृष्ण को भूल जाइए, एक सेकंड के लिए आपको हम तीनों लोगों का राज देंगे, भोग देंगे, लेकिन भक्त कहता है नहीं, हमको तीनों लोगों का राज नहीं चाहिए, हम कृष्ण के चरण कमल को एक सेकंड के लिए भूल नहीं सकेंगे। त्रिभुवन विभव है तबे प्रकुंठ स्मृति, त्रिभुवन की सारी संपत्ति के लिए भी जो कृष्ण की स्मृति का तार नहीं तोड़ पाते हैं, वे वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, तो वे भगवान हैं, वे भगवत। तो ऐसे भक्तों की शरण में जो रहते हैं वे अनन्य भक्त कुछ भी नहीं चाहते। सब समय भगवान का गुण गाते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए परम आनंद का अनुभव करते हैं, परम सुख का अनुभव करते हैं, तृप्त रहते हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र अत्यंत मंगलमय है, सुमंगलमय और अद्भुत हैं। इसी बात को कहने के लिए गजेंद्र कह रहे हैं कि भगवान तमक्षरम ब्रह्म, वे अक्षर ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म, सब तरह से परिपूर्ण, अव्यक्त अव्यक्त हैं उनका शरीर, और शरीर से किए जाने वाले कर्म सब प्रकृति के अंदर के नहीं हैं, अव्यक्त है, प्राकृत प्रपंच से अतीत, सब कुछ चिन्मय है, दिव्य है। भगवान अव्यक्त है। व्यक्त का अर्थ होता है प्राकृत पदार्थों से जो अभिव्यक्त हुआ है, तो प्राकृत पदार्थों के कारण जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, जो पूर्ण स्पिरिचुअल है, पूर्ण आध्यात्मिक है, वो है अव्यक्त। तो भगवान जैसे पूर्ण चिन्मय हैं, तो भगवान के चरित, भगवान के नाम, भगवान की लीला, धाम, उनके भक्त, ये सब चिन्मय हैं। कृष्ण का रूप, कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, कृष्ण का धाम और कृष्ण के भक्त सब चिदानंद हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम,
भगवान परम ईश्वर है, परेश हैं, अव्यक्त हैं और उनको जाना जा सकता है, पाया जा सकता है आध्यात्मिक योग से। आजकल जो योग है जिसको लोग योगा कहते हैं, यह तो केवल मैटर को, शरीर को ठीक रखने के लिए होता है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन भगवान को पाया जाएगा आध्यात्मिक योग से, आध्यात्मिक योग गम्यम। भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा करना और भगवान के चरित्र को पढ़ना और कहना, ये सब आध्यात्मिक योग है। आध्यात्मिक योग गम्यम, जो प्रभु आध्यात्मिक योग से प्राप्त होते हैं। अतीन्द्रियम, यद्यपि वे सबके हृदय में हैं लेकिन मन सहित समस्त इंद्रियों से बहुत परे हैं। अति इंद्रियम, इंद्रियों से पार, इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंचते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी और बड़े बड़े कवियों की वाणी, बड़े बड़े विद्वानों की वाणी जो बोलने में बहुत तेज हैं और उनका मन बड़ा सूक्ष्म तत्व को पकड़ लेता है, लेकिन उनके लिए भी, ब्रह्मा जी और भगवान शिव के लिए भी, शनकादि के लिए भी, भगवान के बारे में पूरा सोच लेना असंभव है। तो जतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ तक जिनकी ओर जा करके वाणी और मन के साथ लौट आती है और उस भगवान का ठीक ठीक वर्णन नहीं हो सकता है, मन में चिंतन ठीक से नहीं हो, एजिटेट नहीं हो सकता है। तो ये अद्भुत उनके चरित्र हैं और परम मंगलमय है। परंतु फिर भी जितनी वाणी भगवान ने हमको दी है, जितना बोलने की शक्ति है, गाने की शक्ति है, उतना जरूर गाना चाहिए और बोलना चाहिए। यही कर्तव्य है। तमक्षरम ब्रह्म अव्यक्त माध्यात्मिक योग गम्यम, अतीन्द्रियम सूक्ष्ममिवाति दूरम, अनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे। और जो सूक्ष्म है, जो परमाणु से भी छोटे हैं, बिल्कुल सूक्ष्मतम पदार्थ को परमाणु कहते हैं, परम अणु, उसी को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। भगवान एटम से भी छोटे हैं, इसका अर्थ है दुर्गम है, उनको समझ पाना कठिन है। वे परमाणु में भी रहते हैं भीतर, ये सबके शरीर में है लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सूक्ष्म मिवाति दूरम, और वास्तव में भगवान अति दूर हैं, साधारण दूर नहीं, बहुत दूर हैं, अति दूरम, अति दूर हैं और अनंत हैं। भगवान हृदय में ही सबके हैं लेकिन फिर भी बहुत दूर हैं।
बहुत दूर है और अनंत है, भगवान का कभी नाश नहीं होता है, जिनका अंत नहीं होता है या जिनके चरित्र स्वरूप आदि का कोई अंत नहीं, जो सब तरह से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, उनको किसी वस्तु का कभी कोई अभाव नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे लिए प्राप्त करना बाकी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो अद्भुत चरित्र हुआ ना, कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ उन्हीं से निकलता है, फिर भी भगवान कर्म करते हैं। फिर द्वारका में रह करके और मथुरा में रह कर भगवान विविध कर्म करते हैं। देखा जाता है कि वे असुरों का संहार करते हैं, किसी के पक्ष से युद्ध करते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब तरह से पूर्ण हैं, फिर भी ये सब लीलाएं करते हैं। यही सब भगवान के चरित्र की आश्चर्यमयता है, यही अद्भुत है। और इस चरित्र को कोई गाएगा, सुनेगा, स्मरण करेगा तो उसका परम महामंगल होगा, सुमंगलम। भगवान के ये सब चरित्र जो श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं या रामायण में है, महाभारत में, अन्य पुराण में, ये सुमंगल केवल गाने और सुनने से, स्मरण करने से हमारा मंगल होता है। सारी विपदाएं कट जाती हैं और सब कुछ प्राप्त होने होता है। तो ऐसा जिनका सुमंगल चरित है और अद्भुत चरित है, और जिनके भक्त कुछ भी नहीं चाहते, केवल उनके चरित को गाते रहते हैं, उन परिपूर्ण ईश्वर की मैं वंदना करता हूँ, नवमी मैं नमस्कार करता हूँ। ईडे, ईडे का अर्थ है मैं स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो जो देवता तमाशा देख रहे थे, गजग्रह की लड़ाई देख रहे थे, वे थोड़ा और निकट आकाश से आ गए थे, विमानों पर चढ़ करके भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र, ये सब देवता आ गए थे, देख रहे थे। तो इनकी स्तुति सुन करके ये लोग समझ गए कि ये भक्त हैं, भक्त की सहायता करनी चाहिए, अब ग्रह से छुड़ा दिया जाए। तो वे इंद्र और भगवान शंकर ये विशेष तैयार हो रहे थे, और ब्रह्मा जी सब। तो गजेंद्र बोलते हैं, जस ब्रह्मा दयो देवा वेदा लोकाश्चरा चरा नाम रूप विभेदे न फलगव्यास कलयाकृता। ये बोल दिए सभी देवता जिनमें ब्रह्मा जी प्रधान हैं, ब्रह्मा आदि देवता अर्थात ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण इत्यादि सब, जिनकी बहुत छोटी कला से उत्पन्न हुए हैं, फल्गु कला से, जिनके अति सूक्ष्म अंश से
हमारी रक्षा करें। तब इंद्र कहे, अब मरना चाहता है, जिस प्रभु को पुकार रहा है ये इतना आसानी से थोड़े आते हैं, तो बहुत कष्ट से मिलते हैं, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते हैं। तो देवता समझ रहे थे कि जिनको ये पुकार रहा है वे प्रभु जल्दी नहीं आते हैं, अब इसको मरना पड़ेगा। हम तो सोचते थे कि बचा दें, लेकिन अभी मरेगा, तो इस तरह की बुद्धि है तो मरो। जब इन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा आदि देवता और सब वेद और सब लोक जिनके एक फल्गु अंश से जन्मे हैं, कृता किए गए हैं, रचे गए हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। इसका मतलब है, आप समझ गए देवता लोग कि हमको तो छांट दिया, उनमें तो ये भावना रहती है कि मैं वज्र पाणी हूँ, मैं शूल पाणी हूँ, मैं चतुरानन हूँ। तो कभी ये कह दे कि हे सहस्राक्ष, हे वज्र हाथ में लेने वाले देवराज, आप हमारी रक्षा कीजिए, तो हम तैयार हैं। लेकिन इसको तो बस अब परम ईश्वर चाहिए, तो परम ईश्वर बहुत देर से आते हैं, और देर करके आएंगे तब तक तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो भगवान शिव भी चाहते थे कि ग्राह पर त्रिशूल फेंक दें, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि अच्छा, जब नहीं चाहते हैं तो छोड़िए। विशेष करके इंद्रदेव ने कहा कि नहीं, ये हम लोगों को तो पूछता नहीं है, आखिर हम भी तो कुछ हैं ना, इसको बचाने में क्या हमको दिक्कत। लेकिन नहीं चाहता है कोई तो क्या उसके पास जाना है, ये सोच रहे थे सभी लोग। और गजेंद्र प्रार्थना करते जा रहे थे, तो सब देवता और सभी जीव, सारा संसार कैसे भगवान से प्रकट होता है, इसको गजेंद्र कह रहे हैं। यथार्थ स्वग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्त संयान्त सकेश्वरोच सह तथा जतोजं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गः। उदाहरण दिए, दो उदाहरण, जैसे स्वरोचिस स्वयं प्रकाश अग्नि से और स्वयं प्रकाश सूर्य से, जैसे अग्नि से लपटें निकलती रहती हैं और सूर्य से सवितु, सूर्य से प्रकाश निकलता रहता है, और वह प्रकाश और अग्नि की लपट फिर उसी में समा जाती है। अग्नि जब बुझ जाती है तो वो लपट सब कहाँ चली जाती है, वो अग्नि से उत्पन्न है और अग्नि में ही समा जाती है। तो इस तरह से जिनसे यह सारा जगत, जगत की सारी वस्तुएं और समस्त जीव, समस्त देवता आदि जिनसे जन्म लेते हैं और फिर उनमें ही समा जाते हैं, संयाति निर्यान्ति, निर्यान्ति मतलब निकलते हैं और संयाति उसमें फिर समा जाते हैं। तथा जतोयम गुण संप्रवाह, उदाहरण दे, दो उदाहरण, अग्नि का और सूर्य का। जैसे अग्नि से
लपटे निकलती हैं और सूर्य से किरणें निकलती हैं और फिर सूर्य में समा जाती हैं, अग्नि में समा जाती हैं। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य से किरणें निकलती हैं और सारे विश्व में भर जाती हैं, लेकिन सूर्य के अस्त होने पर वे किरणें कहाँ चली जाती हैं, फिर सूर्य में समा जाती हैं। तथा ऐसे ही यह गुणसम प्रवाह, यह भौतिक जगत, इसकी समस्त वस्तुएं और समस्त जीव जिनसे निर्यांती ये भगवान से निकलते हैं और फिर भगवान में ही समा जाते हैं। भगवान से निकलते हैं, सृष्टि होती है तो सब भगवान से निकलते हैं। भगवान नारायण के अलावा कोई नहीं था पहले, न शिव जी थे, न ब्रह्मा जी थे, न इंद्र थे, न कोई भी नहीं, भगवान से सब निकले। और सभी जीव और सभी जीवों की बुद्धि, प्रत्येक जीव की कुछ न कुछ बुद्धि है, ये बुद्धि और मन और इंद्रियां, खानी और शरीर की सृष्टि, ये सब शरीर निकला, शरीर के साथ मन निकला, बुद्धि निकली। तथा जो तो यम गुणसम प्रवाह हो बुद्धिर मन खानी शरीर सर्ग, जैसे संसार में हम देखते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही वह मन बुद्धि वगैरह लेकर के जन्म लेता है, उसकी इंद्रियां रहती हैं, इंद्रियों की कार्य क्षमता भी रहती है, ये सब चीज़ें जैसे वो माँ के शरीर से जन्म लेता है साथ में रहती हैं, उसी प्रकार से सारे जीव भगवान से निकलते हैं। देवता, असुर, मनुष्य सभी, पशु पक्षी, कीट पतंग सब, और फिर अंत में भगवान में ही समा जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भगवान गीता में कहते हैं यह जगत हो करके फिर लय को प्राप्त होता है, विलीन हो जाता है। विलीन कहाँ होता है, जिनसे जन्म ही में विलीन हो जाता है। अतः मैं जिसको पुकार रहा हूँ, परमेश्वर को, परम भगवान को, वे भगवान इनमें से कोई नहीं है, सब देवता, असुर, मनुष्य भगवान से पैदा हुए हैं। अतः भगवान कोई मनुष्य नहीं है, भगवान कोई देवता नहीं है, भगवान कोई असुर नहीं है, भगवान कोई पक्षी नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, भगवान कोई पुरुष नहीं है, ये कह रहे हैं। सवई न देवा सुरमर्त त्रियंग, भगवान देवा सुरमर्त त्रियंग, भगवान देवता में से कोई नहीं है, देवता नहीं है, और भगवान असुर नहीं है, मर्त भगवान मनुष्य नहीं है, त्रियंग और भगवान पशु भी नहीं है। पशु पक्षी को त्रियंग कहते हैं, भगवान कोई पशु नहीं है, भगवान कोई पक्षी नहीं है, न स्त्री न संडो न पुमान न जंत, भगवान स्त्री नहीं है,
भगवान पुरुष नहीं है, भगवान संड नपुंसक भी नहीं है, कुमान जंतु, और भगवान तीनों लिंगों से भिन्न कोई जंतु नहीं है। भाई ऐसा मान लिया जाए कि अच्छा ठीक है, स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं, नपुंसक भी नहीं, इन तीनों से शून्य, त्रिलिंग शून्य कोई जंतु है नहीं, भगवान वो नहीं, इसी को कहता है वेद नैति 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 नैति। तो गजेंद्र कह रहे हैं सवई न, सवई माने वे नहीं हैं, वो कोई देवता नहीं है, कोई असुर नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, न स्त्री न संड न पुमान न जंत, न स्त्री है न पुमान है पुरुष है, न संड है न नपुंसक है, और न तीनों लिंगों से शून्य कोई जंतु है। नायम गुण कर्म न सन्न चासन, भगवान कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, गुण नहीं, गुण का अर्थ है भौतिक वस्तु, और कोई कर्म नहीं है, किस कर्म के परिणाम नहीं है, किसी कर्म से बने हुए नहीं है। नायम न अयम, ये भगवान कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, किसी कर्म से बने हुए नहीं है। भगवान सत नहीं है, भगवान असत नहीं है, सत का अर्थ है कार्य और असत का अर्थ है कारण। जैसे गिलास है, इसका कारण स्टील है, ये गिलास इस समय इसको सत कहा जाएगा, कार्य है, और इसके पहले ये स्टील के रूप में था, इस आकार में नहीं था, परंतु स्टील की चादर से बना हुआ है तो कारण कहा जाएगा। तो भगवान कोई कार्य नहीं है, भगवान कारण नहीं है, सत नहीं है, असत नहीं है। निषेध से सो, तब वो क्या है? निषेध से सा, सबका निषेध करने के बाद, तो देवता नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, कुछ नहीं, कर्म नहीं, गुण नहीं, इन सबका निषेध करने के बाद जो बचेगा भगवान वो है। मतलब यह नहीं है, इससे परे है, इसकी अवधि के रूप में भी वर्तमान है। तो सबका निषेध करने के बाद वो बचे रहते हैं, और स्वयं अशेष जैतद अशेष अशेष, भगवान का कभी शेष नहीं होता है, वे अनंत हैं ही, जिनका कोई अंत नहीं है, अशेष हैं भगवान, शेष भी हैं और अशेष भी हैं। शेष का अर्थ है कि सबका अंत होने पर बचे रहते हैं, शेष रहते हैं, और अशेष का अर्थ जिनका अंत नहीं है, वे भगवान जयता, जयतात का अर्थ है मत विमक्षणाय आविर्भवतु, वे भगवान जो इस तरह के हैं मेरे मोक्ष के लिए, मुझे ग्रह से मुक्त करने के लिए प्रकट हों, आविर्भवतु हमारे पास आवे। सब देवता स्वर्ग के
ब्रह्मा जी और शंकर जी जिसमें प्रधान थे, आगे थे, वे लोग देख रहे थे सब देश। और गजेंद्र की स्तुति पूरी हुई और भगवान आ गए गरुण जी पर। तो मैं यह कथा कल कहूँगा, भगवान किस तरह आए और गजेंद्र को मुक्त किए। अभी दो तीन श्लोक स्तुति के रह गए हैं, उसको कह करके मैं कल भगवान को प्रकट करूँगा। हरे कृष्ण।